अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हमारा चैप्टर है, ईएएस अकाउंटिंग का, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और उसमें हम क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, वो है मई जून 2021 का। मई जून 2021 का हमारा क्वेश्चन है। और ये किस कुछ क्वेश्चन मिल गए हैं आज तो मिलना था। ठीक, अच्छा जी, तो मई जून 2021 का ये हमारा क्वेश्चन है। इस 2021 में पेपर में आया हुआ है, कहते जी स्विन ओन्स ए स्मॉल रिटेल बिजनेस, ही हैज नॉट मेंटेन्ड ए फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड, स्टेट टू रीजन व्हाई द ओनर ऑफ ए स्मॉल बिजनेस मे डिसाइड नॉट टू मेंटेन फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिकॉज ही हैज टू हायर एन अकाउंटेंट एंड दैट इज एक्सपेंसिव फॉर हिम। ठीक है जी, दूसरी बात यह है कि हिज बिजनेस रिकॉर्ड्स आर नॉट दैट बिग दैट ही नीड्स एन अकाउंटेंट, ही कैन मैनेज इट बाय हिमसेल्फ। स्मॉल बिजनेसेस नॉर्मली यूज टू मेंटेन देयर अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री रादर देन डबल एंट्री, सिंगल एंट्री में अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर लेती हैं। फिर पेपर कॉस्ट, दे डोंट वांट टू इनकर एनी पेपर कॉस्ट और एडमिन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट पेपर कॉस्ट को वो नहीं रखना चाहते। तो इस वजह से हम स्मॉल बिजनेस जो है मे डिसाइड टू नॉट टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फिर सोनी हैज बीन इन्फॉर्म दैट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग एंड प्रूडेंस मस्ट बी फॉलोड व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन हाउ दीज कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर अप्लाइड व्हेन बिजनेस प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला मैचिंग है, मैचिंग कॉन्सेप्ट सेज दैट एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर विल बी मैच्ड विद द इनकम ऑफ द सेम पीरियड टू फाइंड प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस। दैट एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर विल बी मैच्ड विद द इनकम ऑफ द सेम पीरियड टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन मैचिंग कॉन्सेप्ट बिकॉज वी रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन द करंट ईयर नॉट येट पेड, एक्सपेंसिस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच इट रिलेट्स, आइदर दे आर पेड और नॉट, एंड इनकम इज रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच इट इज अर्न, आइदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट लिखना जी भी है उसमें क्यों लिखना, सब लिखा हुआ पहले ही आपके पास लिखा है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं चाहे वो पे किया हो ना किया हो, और इनकम को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं चाहे वो मिली हो या ना मिली। तो इनकम स्टेटमेंट हम मैचिंग या एक्रुअल कॉन्सेप्ट पे बताने का मतलब ये है कि हम उसी साल के एक्सपेंसेस को उसी साल की आमदनी के साथ कंपेयर करते हैं ताकि प्रॉफिट लॉस फाइंड कर सकें। तो इनकम स्टेटमेंट मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंडर ही बनाई जाती है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सेज दैट फ्यूचर लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड बिफोर इट्स अकरेंस एंड फ्यूचर प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड। तो लॉसेस को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत, जैसे कि बैड डेट्स हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं फ्यूचर लॉसेस को, डेप्रिसिएशन है जैसे, लेकिन जो फ्यूचर प्रॉफिट है उसे हम इग्नोर कर देते हैं, उन्हें अपनी बुक्स में हम रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ, जो प्रॉफिट आता है फिर अनलेस इट इज नॉट येट रिसीव्ड, जब आता है तो फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसका दूसरा भी यार कहते हैं कि एसेट्स एंड प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड और लाइबिलिटीज एंड लॉसेज शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। अगर आप एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट ओवरस्टेट कर जाएगा, जो कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, फ्यूचर लॉसेस को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, अदरवाइज क्या होगा, आपका प्रॉफिट ओवरस्टेट कर जाएगा। प्रॉफिट विल नॉट शो एक्यूरेट पिक्चर बिकॉज प्रॉफिट इज गोइंग टू बी ओवरस्टेटेड, क्योंकि हमने कुछ एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चलते हैं, स्विन हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 1 अगस्त, द बिजनेस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्लूडेड फिटिंग एंड इक्विपमेंट एट वैल्यूएशन इन्वेंट्री अदर पेबल शॉप रेंट दिया हुआ है। बेटा ये अदर पेबल का मतलब एक्रूड रेंट है, आपका रेंट पेबल भी कह सकते हैं आप। अदर रिसीबल जो लिखे हुए हैं ये आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस तो आपका होता है एक्सपेंस है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस। फिर ट्रेड पेबल्स हैं, अगर आप इसका निकालना चाहें क्या कहते हैं उसे ओपनिंग कैपिटल, तो वो भी निकाल सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन 420 का टेकअप करना पड़ेगा। और फिटिंग एंड इक्विपमेंट इन्वेंट्री ऐड करेंगे, अदर पेबल माइनस करेंगे, अदर रिसीबल ऐड करेंगे और ट्रेड पेबल भी माइनस कर देंगे, तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। व्हाई सर? बिकॉज कैपिटल इज नीडेड व्हेन यू नीड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन या बैलेंस शीट। हम इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट जो है नहीं बना रहे, लिहाजा हमें कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है। आगे रिस्क बैंक अकाउंट की समरी दी हुई है हमें, कैश सेल्स बैंक दिया हुआ आपको, वो कैश जो आपने बैंक में जमा करा दिया है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट, नेट बुक वैल्यू 490 है,
और बेचा आपने कितने का है, 550 का, इसका मतलब है आपको 60 का क्या हो गया प्रॉफिट, 490 बुक वैल्यू है, बेचा 550 का है, इट मींस के 60 का आपको प्रॉफिट है, वो आप ग्रॉस प्रॉफिट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ड्रॉइंग्स है, शॉप रेंट है, जनरल एक्सपेंसेस है, कैरिज इनवर्ट बेटा परचेजेस में ऐड होता है, इंश्योरेंस दी हुई है, ट्रेड पेबल आफ्टर डिडक्टिंग 2.5% कैश डिस्काउंट 46800 का दिया हुआ है, जो आपने पेमेंट किया ट्रेड पेबल्स को, और कैश अकाउंट हमें बना के दिया हुआ है। नॉर्मली ये कैश अकाउंट हम बनाते थे, मैं रिपीट करता हूँ, मैंने बताया था अगर कैश में से आप कुछ एक्सपेंसिस पे कर रहे हो तो आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ता है टोटल कैश सेल्स फाइंड करने के लिए। आप देखिए जो राइट साइड पे बैंक लिखा हुआ है 79480, ये बेसिकली कैश बैंक्ड है, कैश बैंक की एंट्री होती है, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट हो रहा है बैंक की वजह से 79480, और ऊपर देखें बैंक डेबिट हो रहा है कैश की वजह से 79480 सेम अमाउंट, ये बैंक की डेबिट साइड पर भी आ रही है और कैश की क्रेडिट साइड पर भी आ रही है। फिर आपने वेजेस पे की कैश की सूरत में, परचेजेस किया, कैरेट डाउन किया, और फिर ये कैश सेल्स आपको 96,000 की, इसीलिए क्वेश्चन में कैश अकाउंट बना के दिया हुआ है, वरना बनाते इसको और हम खुद भी कैश सेल्स फाइंड करते हैं। बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर गुड्स हैव बीन रिटर्न टू सप्लायर 1280 परचेज रिटर्न दी हुई है, और इसमें क्वेश्चन में क्या है कि ऑल सेल्स वर मेड ऑन ए कैश बेसिस, ये कैश बेसिस पे अगर सेल्स है तो क्या मतलब है इसका, वो तो है कैश सेल्स कि आपकी सेल्स कैश सेल्स सारी की सारी, यानी क्रेडिट सेल्स नहीं है, और जब क्रेडिट सेल्स नहीं होंगी तो ट्रेड रिसीवेबल एट द स्टार्ट और ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड की भी जरूरत नहीं है, या वो भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल तभी होंगे ना जब आप चीजें उधार पे बेचते हैं, इसलिए उधार पे चीजें नहीं बेच रहे, क्रेडिट सेल ना तो आपने फाइंड करनी है, ना ही आपको ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस दिया हुआ है स्टार्ट में ना एंड पे। 31 जुलाई को सप्लायर्स वर ओड 4560, ये ट्रेड पेबल्स एट द एंड है, इन्वेंट्री दी हुई है क्लोजिंग, और फिक्स्चर एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है 15860 का साल के एंड का। टोटल परचेजेस क्या था आपने फाइंड करनी है, सबसे पहले मैं बनाऊंगा एसएलसी, ये बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल्स सारी कैश में है, ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें, बैलेंस शीट नहीं बनानी, तो क्या बनाना पड़ेगा आपको, सबसे पहले पीएलसी, पीएलसी हम बनाएंगे इसलिए क्रेडिट परचेजेस फाइंड करने के लिए, वो हम बनाते हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट हमारा बड़ा आसानी से बनता है, आपको पता है इसकी यहाँ पे डॉलर के साइन हम बना लेते हैं, इधर आपका आ जाएगा ब्रॉट डाउन, इधर आपका आ जाएगा जी कैरिट डाउन, जबरदस्त चल रहे हैं, फिर पेमेंट आ जाएगी इधर, उसके बाद आपका डेबिट साइड पे क्या आता है बेटा, लिखना नहीं अभी आपने, अमाउंट नहीं अकाउंट रिसीव आएगा, और क्या आता है आपका परचेज रिटर्न। एक बात मैंने आपको बतानी थी, वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि अब रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड का जो वर्ड है खत्म हो गया है आपके अकाउंटिंग में, कैम्ब्रिज की बात हो रही है, ओ लेवल ए लेवल से, अब रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड का नाम हम यूज नहीं करते, हम परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न यूज करते हैं, अगर हम लिखते हैं सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर, कुछ नहीं होगा, सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड, इफ ए स्टूडेंट इज गोइंग टू स्टडी अकाउंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है कि रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड क्या होता है, तो बेनिफिट ही है ना यार, सिर्फ परचेज रिटर्न सेल रिटर्न इज फाइन विद द स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे पहला पॉइंट देखते हैं हम, सबसे पहले ट्रेड पेबल्स देखते हैं, ओपनिंग 3970 के हैं बेटा, और क्लोजिंग नीचे दिए हैं बेटा एंड पे, वो कितने हैं 4560, तो इधर मैं लिखूंगा जी, आपने नहीं सॉल्व करना, मैं ही सॉल्व कराऊंगा, और कैरेट डाउन आपका आ जाएगा 4560, ठीक है जी। फिर पेमेंट टू ट्रेड पेबल, यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है वो आ रहा है ट्रेड पेबल्स की पेमेंट के हवाले से, पेमेंट टू ट्रेड पेबल की बेटा हम बात करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड दिया है नहीं दिया, हाँ वो मैं निकालना है ना, वही तो करने जा रहा हूँ, डिस्काउंट रिसीव हम कैसे निकालेंगे देखें जरा बेटा, ये जो हमें दिए हुए ना ट्रेड पेबल्स आफ्टर डिडक्टिंग 2.5% कैश डिस्काउंट 46,800 के दिए, ठीक है, इसका मतलब है कि जो 46,800 है ना बेटा, ये बराबर है किसके, 97.5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल की, ऑफ ट्रेड ऑफ पेमेंट टू ट्रेड पेबल, ऑफ ट्रेड पेबल कह लो आप, जो आपने पे किया है, जो आपने पेमेंट की है
उसमें से कैश है ना इतना, टोटल अमाउंट ज्यादा थी, तो ट्रेड पेबल्स कितनी आ जाएंगी या पेमेंट टू ट्रेड पेबल कितनी आ जाएगी आपकी, 46,800 डिवाइडेड बाय 0.975, ठीक, 48,000, ओ सॉरी 48,000, ठीक है जी। अब 48,000 में से 46,800 माइनस कर दें तो आपका डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी, डिस्काउंट रिसीट की। सर समझ नहीं आई, मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जो नीचे पेमेंट्स में लिखे हुए ट्रेड पेबल्स वो है पेमेंट टू ट्रेड पेबल 46,800, ये वो पेमेंट है जो आपने ट्रेड पेबल्स को की है कैश की सूरत में, लेकिन ये अमाउंट डिस्काउंट निकालने के बाद की है, इसमें 2.5% माइनस करने के बाद ये अमाउंट, इसका मतलब है ये अमाउंट जो है डिस्काउंट से पहले कितनी थी, दैट इज इक्वल टू 97.5% ऑफ ट्रेड सीपर ट्रेड पेबल्स। तो पेमेंट जो टोटल थी डिस्काउंट से पहले वो 48,000 की थी, लेकिन आपने उसमें से पेमेंट कितनी की, 46,800, क्योंकि आपने 1200 का डिस्काउंट जो है वो रिसीव किया है। तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड आपका आएगा 1200 का, पेमेंट टू ट्रेड पेबल डिस्काउंट के बगैर ही दी गई है, ये सारा काम जो मैंने किया मतलब डिस्काउंट निकालने के लिए, मैंने पेमेंट तो आपको डिस्काउंट के बगैर है बेटा, पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग 2.5% कैश डिस्काउंट 46,800, और ये पेमेंट का मतलब है वो फिगर जो कैश की सूरत में गई है आपसे, आपने बेसिकली 2.5% तो कम पे किया है, तो 2.5% को हमें इसे ग्रॉसिंग अप भी कहते हैं, उसको निकाल कर फिर हमने टोटल अमाउंट निकाली है 48,000, और फिर उसमें से हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, 2,1200 का, विच इज गोइंग टू बी द डिस्काउंट रिसीव्ड। अब परचेज रिटर्न देखते हैं कितने की देखते हैं, तो गुड्स हैड बीन रिटर्न टू सप्लायर 1280, 1280 की परचेज रिटर्न इधर आ जाएगी आपकी, इसका टोटल कर लेंगे हम डेबिट साइड का, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे तो आपके पास क्रेडिट परचेजेस का आंसर आ जाएगा। टोटल जी इधर भी आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जी 4,996,000 आपके पास आ जाएगी क्रेडिट परचेज। दिस आर नॉट, दीज आर नॉट गोइंग टू बी द टोटल परचेजेस, व्हाई सर, कि क्वेश्चन में आपको कैश परचेजेस भी दी हुई, वो कहाँ लिखी हुई है देखें, जो आपने बनाया कैश अकाउंट जो बना हुआ है उस पर अगर आप गौर करें, उसमें परचेजेस लिखी हुई है कितने की, 1,3,1,320 की, तो ये आपकी कैश परचेजेस हैं, इसको भी आपको इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त परचेजेस के अंदर एडजस्ट जो है वो करना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं अब इनकम स्टेटमेंट, देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बेटा आपकी आती है सेल्स, एंड सेल्स आर ऑल क्रेडिट सेल्स, सेल्स आर ऑल कैश सेल्स, कैश सेल्स हमें कहाँ दी हुई है बेटा, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर आपको टोटल कैश सेल्स दी हुई है। सर आपको पता, आपको कैसे पता है कि यही से सारी सेल्स हैं, क्योंकि उसने कहा ऑल सेल्स वर मेड ऑन कैश बेसिस, ये 96,000 ही आपकी टोटल सेल्स की अमाउंट है, जो कि मैं यहाँ पर लिख दूंगा 96,000, इसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें आपका आ जाएगा जी ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड इसमें हम कर देंगे जी परचेजेस, कैरिज इन्वेंट्री ऐड करता हूँ अभी, वो भी कर देंगे, नहीं नहीं परचेज रिटर्न लेस कर देंगे इसमें से, परचेज रिटर्न नहीं वो नहीं, तो आंसर आएगा उसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, मैं बताता हूँ खुद आपको भी। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री देखते हैं हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है 11,440, मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी 11,440, परचेजेस जो आपने लिखनी है बेटा वो 4,9,960 की क्रेडिट परचेजेस है, और कैश परचेजेस भी हैं कितने की, 1,320, वो दोनों ऐड करके आपकी टोटल परचेज आएंगी। सर कैसे देखें, कैश परचेजेस आपको ये दी हुई है 1,320 की, जो आपने कैश में पे की हैं, और क्रेडिट परचेजेस आपने निकाली हैं, तो आपकी टोटल अमाउंट आती है परचेजेस की जी 5,1,280, इसमें कैरिज इन्वर्ट बेटा हम ऐड कर देंगे, कैरिज इन्वर्ट हमें कहाँ दिया हुआ है,
पेमेंट्स में हमें दिया हुआ है कैरी जिन पर हमने पे किया है 610 का, वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 610 और माइनस कर देंगे इसमें से हम परचेज रिटर्न, और वो माइनस हो जाएगी 1280 से। याद रखिएगा आपको दोबारा माइनस नहीं किया हमने, ये TLCA में डेबिट साइड पे जो आपने लिखी है वो ट्रेड पेबल्स को आपने डेबिट किया है, परचेज रिटर्न को आपने भी क्रेडिट करना है, वो क्रेडिट आपको इनकम स्टेटमेंट में करना पड़ेगा। बताएं इसकी नेट अमाउंट कितनी है? 517,50 लेस कर देंगे इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हम देखते हैं कि सर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कितनी दी हुई है। नीचे इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड एट 18720, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी इधर आ जाएगी जी, क्योंकि हमने माइनस करनी है 18720, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा जी 33030, और ये हम माइनस कर देंगे तो यू विल गेट योर ग्रॉस प्रॉफिट 62970। तो ये हमने क्या निकाल लिया, अपना जीपी हमने फाइंड कर लिया। अब आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर जो है वो हमारा ऐड होता है, एक तो डिस्काउंट रिसीव हमारा ऐड होना है इनकम जो है, और एक आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है वो भी आपका ऐड हो, क्योंकि हमने अगर देखा है तो प्रॉफिट हुआ है ना, मैं प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट 490 था तो 60 का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, वो आपका 60 है, और डिस्काउंट रिसीव भी आपका यहाँ पे ऐड होगा, अभी ऐड मत कीजिएगा, डिस्काउंट रिसीव हमारा कितना है, उसका दूसरा इफेक्ट होना ही अभी पीएलसी में डेबिट साइड पे आया है, लेकिन यहाँ पर भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा डिस्काउंट रिसीव के हवाले से जी। देखिए इसमें यहाँ तक कोई मसला है तो बिना झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, इमेज 21-21 का सवाल है जो हम कर रहे हैं सॉल्व। I have a gut feeling that I think the gross profit is not correct. So there is some problem issue. Let me check it out. ये लग रहा है कि ये ना शायद ये GP में कुछ गलती है, इसको हम चेक करते हैं अभी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये जरा PLC का डेबिट साइड का टोटल मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है, चलिए इसको देखते हैं अभी, ये टोटल करना जरा। अच्छा अच्छा आप कह रहे हो सही नहीं है, सही सही बताना जरा भी ये क्या है, इसमें गलती कर दी हमने। नो इशू, हो जाता है, हो जाता है, डजंट मैटर। ये टोटल डेबिट साइड का जो हमारा है ना वो बेटा गलत हो गया थोड़ा सा, ये आता है 53840। ये आपका आ जाएगा 53840। ये हैं बच्चे, आपको पता है दे कैन डू सी मिस्टेक्स, डजंट मैटर। 49870। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जो हमारा आ रहा है, यानी 49870 और प्लस 1320 जो कि कैश हमारी परचेजेस हैं, और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बेटा 51190, और इसको फिर हम जब ऐड करेंगे तो टोटल ये भी हमारा डेफिनेटली चेंज होगा, ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा जी 61960, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा 43240। नाउ इट इज करेक्ट, तो 96,000 में से 43240 माइनस कर दें, जीपी आएगा आपका 52760। इसमें हम जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट जैसे कि मैंने आपको बताया था 60 वो ऐड करेंगे और 1200 का डिस्काउंट रिसीव आप ऐड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 54020। इसका कोई नाम लिखने की हमें जरूरत नहीं है, ए जी पी के बाद आप ऐड करते हैं, आपको पता है। अब इसमें से हम ब्लेस कर देंगे बेटा एक्सपेंसेस जो हमारे हैं, एक्सपेंसेस जो हमारे हैं वो हम माइनस कर देते हैं। एक्सपेंसेस में अगर आप गौर करें सबसे पहले तो देखते हैं, तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमारे आते हैं वेजेस। देखिए वेजेस यहाँ लिखा हुआ है, आपको कैश अकाउंट से भी उठाना पड़ेगा ना आपको, तो वेजेस है 15430 की, और ऊपर कोई वेजेस नहीं दी हुई, तो वेजेस मैं लिख लेता हूँ 15430 की,
सबसे पहले, ताकि कहीं कैश अकाउंट के एक्सपेंसेस हम मिस ना कर दें। वेजेस आपकी आ जाएंगी जी 15430, 15430। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट आपका हम लिख लेते हैं जी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अगर आप देखें क्वेश्चन में, तो इंश्योरेंस एंडिंग में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन इंश्योरेंस की जो पेमेंट है जो आप कर रहे हैं वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 2950 की, और ऊपर अगर आप देखें तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी आपको दी हुई है 290 की। तो ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये आपकी जो इंश्योरेंस की पेमेंट है उसमें क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी। सर कैसे? जो एंडिंग प्रीपेड होता है बेटा वो माइनस हो जाता है, तो जो प्रीपेड ओपनिंग होगा वो ऐड हो जाएगा। तो 2950 प्लस 290, और हम यहाँ लिख लेंगे 2950 प्लस 290, 3240, ये आपका आ जाएगा 3240। उसके बाद आपका आ जाएगा जी शॉप रेंट, और शॉप रेंट का भी अगर आप देखें क्वेश्चन में, तो शॉप रेंट आपने जो पे करना है वो आपको दिया हुआ है 3580 का, लेकिन 3580 में अदर पेबल में शॉप रेंट दिया हुआ है 510 का, ये माइनस हो जाएगा, इसलिए कि एक्रूड रेंट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड हो जाते हैं आपके, क्योंकि ये ओपनिंग है तो ये आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 3580 माइनस 510, 580 माइनस 710 कितना आ जाएगा, 510 कितना आ जाएगा, 7307, 3070। उसके बाद आपके आ जाएंगे बेटा जनरल एक्सपेंसेस, और जनरल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, स्पेलिंग गलत हो गए कोई बात नहीं, तो जनरल एक्सपेंसेस जो है हमें उसकी ओपनिंग क्लोजिंग तो कोई नहीं दी हुई, लेकिन जनरल एक्सपेंसेस हमें दिए हुए टोटल में कितने, 16810, वो हम ठीक कर लेते हैं। 16810 के इधर आ जाएंगे आपके 810, फिर आपकी आ जाएगी बेटा डेप्रिसिएशन ऑन, मेरा ख्याल है एक नॉन करंट एसेट आपका है, इस पर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है, और वो फिटिंग एंड इक्विपमेंट है आपका, डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग एंड इक्विपमेंट आपकी आ जाएगी। इसका भी ऐसे हमें अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि चलिए बना लेते हैं अकाउंट फिटिंग एंड इक्विपमेंट का, आप बात समझ में आ गए इसको कैसे जो है वो फाइंड किया। आपको पता है हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के चैप्टर में नेट बुक वैल्यू से एसेट अकाउंट जो है वो बनाते हैं, और जब आप नेटबुक वैल्यू से एसेट अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले डेबिट साइड पे आपका आता है बेटा ब्रॉड डाउन, फिर आपकी आती है एडिशन जो आपने नया खरीदा है, राइट साइड पे बेटा आपका आ जाता है बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, एसेट बेचे है ना आपने उसकी बुक वैल्यू, फिर आपकी क्या आ जाती है बेटा डेप्रिसिएशन, और आपकी आ जाता है कैरिड डाउन। देखें सबसे पहले ब्रॉड डाउन में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें फिटिंग एंड इक्विपमेंट 18,500 का, और कैरिड डाउन में हमें कितना दिया हुआ है 15860, इधर आपका आ जाएगा बेटा 18,500, और इधर आपका आ जाएगा 15860। एडिशन कोई नहीं है, लेकिन आपने एक एसेट सोल्ड किया है जिसकी बुक वैल्यू आपको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और जो एसेट आपने सोल्ड किया उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 490 आपका इस साइड पे आ जाएगा, विच इज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड, एंड द डिफरेंस इज गोइंग टू बी द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्चर एंड इक्विपमेंट। कितनी आती है, डेप्रिसिएशन अब इनको ऐड कर लें आप टोटल एक्सपेंसेस को, और उसमें से हम माइनस कर देंगे अपने जो हमारे पास प्रॉफिट है, तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है आंसर आपका आ जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस निकालें कितने आते हैं, 13320 आपका आंसर है, which is the profit for the year, that is correct. तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया अपना, आगे चलते हैं हम। आई होप सो कि आपको समझ आ गई, इतना मुश्किल नहीं था सवाल, ये छोटी सी हमें बीच में गलती जरूर हुई हमसे। आगे अगर आप चलें क्वेश्चन में, इसका दूसरा पार्ट भी बेटा सॉल्व करना है हमने, वो क्या है कि सोनी हैज द अपॉर्चुनिटी टू मूव हर बिजनेस इन ए बिजनेस टू ए बिजनेस लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन, बिजियर लोकेशन, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, द रेंट ऑफ द न्यू शॉप प्रीमिसेस विल बी 3 टाइम्स द करंट एनुअल चार्ज,
रेंट एनुअल 4 से 3 गुना ज्यादा हो गया रेंट. एनुअल सेल्स कुड बी इंक्रीज बाय 10% ऑन द फिगर फॉर द ईयर 31 जुलाई 2020. इसका मतलब है कि आपकी जो फिगर थी सेल्स की वो बेटा कितनी थी, 96,000, उसमें 10% का इजाफा हो गया है यानी 9600 बढ़ जाएगा. तो अब आपकी सेल्स कितनी हो गई, 105,600. और कहता है कि इसका 60% जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है. 60% निकालेंगे 101 10. जी 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 60% जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 63,360. ये आपका जीपी आ गया. अब वो कहता है कि आपने इस जीपी को करेक्ट करना है. कैसे, देखिए रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया मैंने, रिवाइज प्रॉफिट निकालना है क्योंकि आपने प्रॉफिट के अंदर ये कुछ चीजें हैं, शॉप रेंटल में इजाफा नहीं किया, फिर बैंक लोन का इंटरेस्ट आपने पे जो है वो अभी तक नहीं किया हुआ, ठीक है, और इन चीजों को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. डिस्काउंट रिसीव तो है ही ना. बाकी एक्सपेंसिस कहते हैं ऑल अदर एक्सपेंसिस विल रिमेन अनचेंज्ड एंड देयर विल बी नो सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम. कोई इनकम और मौजूद भी नहीं है. तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट का बेटा आंसर कितना आता है, 63,360. इसमें हम जो आपका क्या था, बैंक लोन पे इंटरेस्ट है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं. देखिए इंटरेस्ट पहले निकालते हैं आप. इंटरेस्ट कितना है आपका, 16,000 का 8% कितना आता है जी, आपने लोन लिया है ना मजीद, उस पर 8% इंटरेस्ट है, वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा 16,000 का 8% 1,280. ये आपको माइनस करना पड़ेगा. फिर वो कहता है कि शॉप रेंट में इजाफा हो गया है, तो वो भी कितना इजाफा हुआ है, 3 गुना हो गया है. देखें तो ज्यादा कितना हुआ है ये देखना. शॉप रेंट अगर आप देखें, आपका शॉप रेंट कितना है, देखें ये देखें शॉप रेंट कितना है, 3,070. इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो कितना हो जाएगा, 6,140 का क्या हो गया बेटा, इजाफा हो गया. ये जो ऊपर इंटरेस्ट लिखा हुआ है बेटा ये भी नेगेटिव में है. उसने कहा बाकी एक्सपेंसेस जो है वो सेम टू सेम है. बाकी एक्सपेंसेस भी लिखने हैं आपने, वो कितने हैं, 40,700 के, और उसमें एक दफा शॉप रेंट ऑलरेडी शामिल हुआ है. ऑल अदर एक्सपेंसेस आर सेम, तो 40,700 एक्सपेंस वो ही लिखूंगा. देखिए बेटा कहाँ से, यहाँ से उठा के ये वाले ये लिखे हुए 40,700, ये मैंने यहीं से लिए, और इसमें शॉप रेंट एक दफा का आ चुका है, जो दो दफा का बड़ा है, डबल हुआ है 2 times, वो मैंने इधर माइनस कर दिया, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो मेरे पास करेक्ट नेट प्रॉफिट मेरे पास निकल आएगा इन तीनों चीजों को माइनस कर. जी 15,240, दैट इज माय करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर. सर ये तो करेक्शन ऑफ प्रॉफिट का सवाल है. जी बेटा बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसने भी यही कहा है. देखिए कहता है कैलकुलेट हाउ मच प्रॉफिट पर एनम विल बी मेड इफ सोनी मूव्स द बिजनेस टू द न्यू लोकेशन. रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट पहले हमने निकाला, सेल्स को बढ़ाया 10%, उसका 60% जीपी आ गया, उसमें से हमने एक्सपेंसेस जो थे बैंक इंटरेस्ट और शॉप रेंट वो माइनस कर दिया, और बाकी अदर एक्सपेंसेस सेम टू सेम रहे 40,700 की. तो 636,360 जो जीपी था आपका करेक्ट, उसमें से मैंने माइनस कर दिया इंटरेस्ट शॉप रेंट और एक्सपेंसेस सारे के सारे प्रीवियस एक्सपेंसेस. 15,240 आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो निकल आया. ओके हो गया जी. कहते हैं जी नेक्स्ट रो, एडवाइस सुनी वेदर और नॉट ही शुड चेंज हिज बिजनेस लोकेशन, जस्टिफाई योर आंसर कंसीडरिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स. अगर आप गौर करें, अगर आप लोकेशन चेंज करते हैं तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया, पहले कितना था 13,320, अब क्या हो गया 15,240. तो बिजनेस प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बट नॉट वेरी मच टू अ सर्टेन एक्सटेंट, थोड़ा किसी हद तक 1,290 से जितना भी बनता है उससे आपका वो इंक्रीज कर दिया है. फिर ये कि आइदर बैंक इज रेडी टू गिव यू बैंक लोन, आइदर बैंक इज विलिंग टू गिव यू अ लोन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डू यू हैव एनी कोलैटरल टू गिव इट टू द बैंक, तभी बैंक लोन देगा ना, ठीक है. हाँ मेरे स्टडीज का, तो वो बैंक लोन देगा या नहीं देगा, इंटरेस्ट कितना आपको पड़ेगा, यू हैव एनफ कैश शुड बी अवेलेबल टू पे बैक द बैंक लोन इन द फ्यूचर, लिक्विडिटी आपकी इश्यू तो नहीं आगे फ्यूचर में आ जाएगी. मैं इस चीजों को हम कंसिडर करके डिसाइड कर देंगे एनी ऑफ द साइड, आपने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना. तो ये हमने क्वेश्चन अपना कंप्लीट किया है, और इट वाज अ वेरी, आपको देखिए नया क्वेश्चन है मई जून 21 का. इसमें कोई मसला है तो बिना झिझक आप पूछ सकते हैं.
और देख लें